आज देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद के जमालपुर में होती है। मंगलवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने जमालपुर जगन्नाथ में मंगला आरती की। सुबह 4:30 बजे भगवान को खिचड़ा हुआ। 6:30 बजे भगवान रथ में विराजमान होंगे। इसके बाद 7 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहिंदा विधि कर यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं पुरी में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाएंगे, जो कि उनकी मौसी का घर माना जाता है। इस रथ यात्रा में तकरीबन 25 लाख लोगों के आने की संभावना है। इसे गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं। रथ यात्रा शुरू होने का समय तय नहीं होता, लेकिन सुबह से ही पूजा और रथ यात्रा के लिए ज़रूरी विधान शुरू हो जाते हैं। इसके चलते सुबह 4 बजे भगवान को जगाया जाता है। श्रृंगार के बाद आरती और खिचड़ी को भोग लगाया जाता है। मंदिर के बाहर तीनों रथों की पूजा की जा रही है। अब मंदिर से ही भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति से एक एक माला उठाकर उनके रथों पर रखी जाएंगी। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी पंडित श्याम महापात्रा के मुताबिक तकरीबन 7 बजे से तीनों मूर्तियों को मंदिर से बाहर लाना शुरू किया जाएगा। भगवान को रथ में बैठाने के बाद पूजा होगी। रथ में बैठाने के बाद भगवान जगन्नाथ का पहला दर्शन पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती करेंगे। पुरी के राजा दिव्य सिंह देव रथ के आगे सोने की झाड़ू से बुहारा लगाएंगे। इसके बाद रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। परंपरा के चलते सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ चलेगा, जो कि तकरीबन 45 फीट ऊंचा और लाल रंग और हरे रंग का होता है। इसमें 14 पहिए लगे होते हैं, जिसका नाम ताल ध्वज है। इसके पीछे देवदलन नाम का करीब 44 फीट ऊंचा लाल और काले रंग का सुभद्रा का रथ होता है, जिसमें 12 चक्के होते हैं। आखिरी में भगवान जगन्नाथ का रथ होगा। इसका नाम नंदी घोष है, जो कि पीले रंग का लगभग 45 फीट ऊंचा। इनके रथ में 16 पहिए होते हैं। इसे सजाने में लगभग 1100 मीटर कपड़ा लगता है। आज शाम तकरीबन 6 बजे तक भगवान जगन्नाथ के गुंडीचा मंदिर पहुंचने की संभावना है। वहां भगवान अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 7 दिन तक रुकेंगे। इसके बाद पंचांग के मुताबिक आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यानी कि 28 जून को वापस मंदिर लौटेंगे। मंदिर लौटने वाली इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है।